स्मार्ट टेलीकॉम वन आपका अपना चैनल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज हम देखते हैं कि जंपर किस तरह से हमें मारना है और क्यों ज़रूरत पड़ती है जंपर की और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जंपर हम इसलिए मारते हैं कि अगर चाहे हम बैटरी सेक्शन हो या कोई भी सेक्शन हो उसकी सप्लाई अगर से हमें उसके आईसी से निकलकर बीच में कहीं ब्रेक हो जाती है, यानी इसके जो पॉइंट है बैटरी कनेक्टर है, अगर आईसी से या फिर चार्जिंग जैक से अगर कुछ सप्लाई अगर आ रही है यहाँ तक बैटरी कनेक्टर तक, या फिर आप कोई भी सेक्शन ले लीजिए जो भी आईसी से आपको सिम तक जो उसकी सप्लाई बीच में इसे कहीं ब्रेक हो गई है। दोस्तों ये जो पीसीबी होता है ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ये इसके अंदर से कुछ सप्लाइयाँ होती हैं जो बारीक बारीक होती हैं जो गौर से देखने से आपको दिखेगी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारे प्रिंट्स है, तो ये ऑलरेडी इनबिल्ड होती हैं सप्लाइयाँ। तो मोबाइल नीचे गिरने के कारण या फिर इसके अंदर डस्ट जमा हो जाने के कारण या फिर पानी वगैरह जाने के कारण जो है ना इसकी सप्लाइयाँ ब्रेक हो जाती हैं, जो आईसी से जो सप्लाई होती हैं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं, बीच में कहीं से ब्रेक हो जाती हैं जो हम देख नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग में, इस तरह का वायर होता है, ये देखिए मेरे पास जंपर वायर है, आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक है। मैं करीब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इसके ऊपर एक इंसुलेटेड तार चढ़ी होती है, तो ये बीच में कहीं भी अगर लगने से ये शॉर्ट नहीं होगा। जब हम दोस्तों इस वायर से हम जंपर करते हैं तो इसके सामने के हिस्से को थोड़ा सा छील लेते हैं, इसके जो ऊपर सामने का जो हिस्सा है, देखिए ऊपर से इस पर इंसुलेटेड कवर चढ़ा हुआ है, इसको छील लेते हैं। और छील कर हम क्या करते हैं इसकी आयरन की मदद से, ये देखिए इस तरह का एक आयरन होता है, इसे हम हॉट कर लेते हैं, इसे गर्म कर लेते हैं इस आयरन, और ये एक सोल्डरिंग वायर कहते हैं इसे, तो इसे रांगा भी कहते हैं। तो इसकी मदद से दोस्तों हम क्या करते हैं ये जंपर वायर को यहाँ से हम जहाँ तक इसकी सप्लाई रुकी हुई है, अगर चार्जिंग नहीं हो रही है तो हम इसकी सप्लाई को चेक करते हैं, अगर इस पर यहाँ पर हमें उसकी रीडिंग जितनी मिलनी है उतनी रीडिंग नहीं मिल रही है तो उसकी ट्रेसिंग करते हैं और कहाँ तक आईसी से उसकी लाइन कहाँ तक ओके है वहाँ से लेकर के हम चार्जिंग के जो VCC जो VBUS जिसे कहते हैं, VCHARGE जिसे कहते हैं, जिस पर हमें सप्लाई मिलती है, वोल्ट मिलता है, जहाँ पर रेजिस्टेंस मिलता है वहाँ तक उसे हम इस जंपर वायर से हम जोड़ देते हैं। तो दोस्तों हम जोड़ देते हैं तो हमें रेजिस्टेंस वहाँ पर आ जाता है, उसकी टूटी हुई सप्लाई वहाँ तक मिल जाती है, इसके कारण वो वापस से वो चार्जिंग जैक काम करने लगता है। चाहे आप बैटरी कनेक्टर ले लीजिए, चार्जिंग सेक्शन का चार्जिंग जैक ले लीजिए, या फिर सिम ट्रे ले लीजिए, या फिर मेमोरी कार्ड सेक्शन ले लीजिए, जो भी में अगर सप्लाई ब्रेक हो जाती है तो इस वायर के थ्रू हम उसे जोड़ देते हैं और ये वर्क करने लगता है। तो दोस्तों हम जंपर किस तरह से करना है आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जंपर किस तरह से लगाते हैं। देखिए सो फ्रेंड्स, अभी मैंने यहां पर आयरन ले लिया है जिसके जो कि अभी बहुत ही हॉट हो चुका है। यहां पर देखिए मैंने ये सोल्डरिंग वायर थोड़ा सा लगा लिया है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम यहां पर चार्जिंग कनेक्टर या फिर कुछ भी यहाँ पर हम पीसीबी पर लगाते हैं तो इसी सोल्डरिंग वायर और इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से लगाते हैं, तो इसे आहिस्ता से लगाना है आपको, वरना ये दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा तो ये मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा। जहाँ पर भी लगा रहे हैं उसी के ऊपर लगाना है, बिल्कुल एहतियात से लगाना है। बहुत ही बारीक छोटे छोटे से कंपोनेंट होते हैं, ये चार्जिंग जो जैक होता है जो कनेक्टर होता है उसमें 5 पिनें होती हैं, बहुत ही खरीब खरीब होती है। तो अगर हम चार्जिंग कनेक्टर भी अगर लगा रहे हैं तो उसे एक एक पिन को सेपरेट लगाना होगा, वरना ज़रा सा भी दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे तो वो मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जंपर वायर है जिसके ऊपर इंसुलेटेड वायर होता है। दोस्तों थोड़ा सा इसे रिमूव कर देना है ऊपर से, अगर उसे थोड़ा सा हम निकाल देंगे तो अंदर इसके सिल्वर कलर का वायर होगा जिसके ऊपर हम सोल्डरिंग पेस्ट लगा करके सोल्डरिंग वायर से और सोल्डरिंग आयरन से इसे हम जंपर करते हैं, यानी हम पीसीबी पर चिपका देते हैं, इसे लगा देते हैं। तो जहाँ से भी हमारी सप्लाई टूटी होती है वहाँ से लेकर के उसके जहाँ तक टूटी होती है वहाँ तक लगा देते हैं, उसकी सप्लाई को हम पूरा कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, जिसके कारण वो सेक्शन वर्क करने लगता है। ये देखिए यहाँ पर अब हम एक जंपर करके आपको दिखाएंगे, आपको थोड़ा सा सोल्डरिंग आयरन पर थोड़ा सा ये रांगा जो पेस्ट है
जो वायर है सोल्डरिंग वायर उसे थोड़ा सा लगाना है। और यहाँ पर देखिए आप ये वायर को आप हाथ ट्वीज़र की मदद से भी पकड़ सकते हैं या फिर आप हाथ से भी इस तरह से पकड़ कर, ये देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर हम इसे जंपर कर देंगे, जंपर यानी इसे यहाँ पर चिपका देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से और हमने ये यहाँ पर एक तरफ चिपका दिया है दोस्तों। अब अगले तरफ हमें इसे चिपकाना होगा क्योंकि यहाँ से सप्लाईज़ की ब्रेक है तो हम आगे तक इसे चिपका देंगे। तो चिपकाने के लिए जितना वायर चाहिए हमें उतना ही ले, ज़्यादा बड़ा ना ले वरना ये वायर टूट सकता है, निकल सकता है। तो इसे इस तरफ दूसरी तरफ भी हम इसे सोल्डरिंग आयरन की मदद से थोड़ा इसका इंसुलेटेड तार जो ऊपर लाल कलर का लगा हुआ है उसे निकाल देते हैं। और जब ये सिल्वर कलर का उसके अंदर से दिखने लगेगा तो उससे फिर हम दूसरी तरफ दूसरी ओर जंपर कर देंगे, उसे दूसरी ओर पीसीबी पर चिपका देंगे। देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग वायर को लिया है आयरन से, आयरन गर्म होना चाहिए आपका। ये देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर तक इसकी सप्लाई ब्रेक है, हम यहाँ पर इसे जोड़ देते हैं और इसकी सप्लाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। दोस्तों ये देखिए हमने इसे यहाँ पर जंपर कर दिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ से वहाँ तक हमने इसे जंपर कर दिया है। तो दोस्तों अगर कहीं पर भी आपकी सप्लाई ब्रेक हो जाती है तो इस तरह से आप जंपर कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका हाथ साफ होगा जंपर लगाने में, वरना एक छोटा सा जंपर भी आप नहीं लगा सकेंगे। चाहे कोई भी सेक्शन में आपकी सप्लाई टूटी हो, ब्रेक हो, तो आप इस तरह से जंपर लगा सकते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको तो ज़रूर लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।